अनाया, यही नाम है ना तुम्हारी बेटी का? जी मैडम। वो एक लंबी जंप लगाकर जमीन से आसमान को छूने का जो मकसद है ना उसका, वो मैं उसे कभी पूरा नहीं करने दूंगा, बता दो उसे। मैडम आप क्या बात कर रही हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी बेटी तो बहुत मासूम है, उसने तो कुछ नहीं किया। मुझे नहीं जानना कि उसने क्या किया है, मैं ये बता रही हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। जिस घर से तुम्हारी रोजी रोटी चल रही है, उसी घर की तुम्हारी बेटी मालकन बनने का ख्वाब देख रही है। मेरा बेटा तुम्हारी बेटी से इश्क का एतराफ कर रहा है मेरे सामने। तुम अपने बेटी के जरिए मेरे मुकाबले आना चाहते हो? नहीं नहीं मैडम, ऐसा तो मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। भला आपके सामने मेरी क्या औकात? तो फिर मायर ने मुनीजे से रिश्ता क्यों तोड़ा? क्यों वो कहता फिर रहा है कि वो शादी करेगा तो तुम्हारी बेटी से? तुम्हारी बेटी मेरे बेटे को बरगला दिया। जो बेटा मेरे फैसले मानता था, आज वो मुझे अपना फैसला सुना रहा है। अगर तुम्हारी बेटी लड़कों को मायल करने की इतनी महारत रखती है तो दुनिया भर ही पड़ी है लड़कों से, कोई ना कोई मिल जाएगा उसे। लेकिन मेरे बेटे को वो छोड़ दे। इन आंसुओं को महसूस करो करीम, क्योंकि इन आंसुओं की न खत्म होने की शुरुआत हो चुकी है। जो तकलीफ उसने मेरे बेटे के जरिए मुझे दी है, उसे दुगनी करके मैं लौटा दूंगी। ये बता देना अपनी बेटी को, जिसे अपनी बाप की इज्जत का भी ख्याल नहीं है। बस मैडम बस, मैं लाचार मजबूर बाप सही, लेकिन इतना बेगैरत नहीं हूं कि अपनी पारसा बेटी के लिए कोई नाहक बात सुनूं। मुझे अपनी बेटी पर बहुत भरोसा है, उसने आपके बेटे को नहीं वरगलाया और ना ही मजबूर किया। मैं आपको जानता हूं, लेकिन आप मेरी बेटी को नहीं जानती। आपकी ऐश और इशरत की जिंदगी मामूली है, मेरी बेटी तो अपने बाप की इज्जत की खातिर जान भी दे सकती है। वर्षों की गुलामी करके आपसे जो इज्जत मिली, याद रखूंगा मैं उसे। How dare you? तुम मुझे जवाब दे रहे हो, तुम्हारी औकात क्या है? क्या है तुम्हारी औकात बताऊंगी?